कैसे बताऊं मैं आपको कितना ऑर्गेजम सेटिस्फेक्शन हार्मोनल किक मिलता है जब कोई ब्रूटल एक्शन मूवी नॉन स्टॉप वो भी देखने मिलती है। फटाफट दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करना क्या एक्सट्रैक्शन 2 आवर्स लंबी हमारे टाइप की है या नहीं। पॉजिटिव नंबर 1 टेक एक्शन सीन जो पहले से ये लोग बताते आ रहे हैं, ट्रेलर में दिखाते आ रहे हैं, वो इन्होंने डिलीवर किया है। एक नहीं 2 ऐसा लंबा मूवमेंट आता है मूवी के अंदर जिसमें आपको पलके झपकाने तक का भी टाइम नहीं और फटाफट एक्शन सीन चल रहा है। डायरेक्टर सैम आर्क्यू भाई कैरेक्टर को पूरा निचोड़ लिया है बंदे ने। 21 मिनट्स लंबा नो कट 1 टेक शॉट जेल के बेसमेंट से होते हुए 1-on-1 एक्शन सीन, फिर 1 vs 50 के साथ एक्शन सीन, उसके बाद एक्सप्लोजन हो रहा है, भागना है, कार का चेस सीन, उसके बाद ट्रेन में चेस सीन, उसके बाद हेलीकॉप्टर आता है। भाई बस एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये जॉन विक से आगे निकल जाएगी मूवी, लेकिन नेगेटिव में बात करेंगे उसकी। पॉजिटिव नंबर 2, टाइलर रेक इस बार अपनी एक्स वाइफ की बहन की पूरी फैमिली को बचाने वाला है। अब दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से ये एक लड़की, उसकी माँ और एक लड़का, इन सबको बचाएगा। अकेला काफी है लेकिन पूरी टीम बचाती है। और टाइलर का स्टेमिना भाई हर जगह से इंजर्ड हो रहा है, मरते हुए हालत है, उसका खून टपक रहा है, उसके अंदर भी उसका एक्शन बंद नहीं हो रहा है। वो बचाएगा सबको, एक्सट्रैक्शन करके दिखाएगा। लेकिन इस बार टक्कर जो है टाइलर की वो एकदम कड़क विलन से, वो भी गिव अप मारने को तैयार नहीं है, बदला लेके रहेगा। ये सब एक्शन सीन के अंदर टाइलर की हालत देख के भाई अंदर से बहुत दया आती है उसके लिए, एकदम ऐसा फील होता है। और इस मूवी के अंदर टाइलर को मैं सच मानने लग रहा हूं, छोटे बच्चे की तरह मैं इमोशनली कनेक्ट हो गया टाइलर से। और इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेकर्स का जिस तरह से उन्होंने एंडिंग की है एक्सट्रैक्शन। लेकिन 2 आवर्स की लंबी मूवी है और मुझे एक चीज बहुत खटक रही थी, वो थी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है मेरा उस फैमिली से जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है। अब उसका शायद रीजन ये भी हो सकता है 30-40% मूवी स्पैनिश या फ्रेंच कोई लैंग्वेज में है जिसका सबटाइटल्स आपको रीड करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी डब में क्यों ना देखो, तो वो इतना फास्ट बोलते हैं कि भाई पॉज करना पड़ रहा है मुझे हर डायलॉग में। एक्सट्रैक्शन 1 के अंदर जो ओवी महाजन को बचाते हुए कनेक्शन हुआ था भाई, वो इसमें नहीं हुआ। जो भी हो लेकिन 2 घंटे के लिए घर बैठे बैठे आपको ऑलमोस्ट जॉन विक जैसी मूवी देखने मिल रही है, तो आपको और क्या चाहिए। लेकिन साला नेटफ्लिक्स को क्रिमिनली चार्ज करना चाहिए इस मूवी को थिएटर में ना रिलीज करके। उधर यूएसए में तो तुमने किया था थिएटर में रिलीज, यहां क्यों नहीं करते भाई। हम आदि पुरुष देखने जाते हैं थिएटर में, वो भी 3D में, तो ये क्यों नहीं। बाय द वे मूवी आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, वायलेंस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है लेकिन एडल्ट कुछ नहीं। द फ्लैश और आदि पुरुष का रिव्यू आपके स्क्रीन पे, भाई तुमको जेक टाइलर की कसम लाइक डिसलाइक दोनों में से कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।